26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च दरम्यान येवला येथे श्री सच्चिदानंद सेवा श्री नारायण धाम आयोजित संगीतमय श्रीमद भागवत कथेचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान गंगा दरवाजा येथील वनवासी राम मंदिर इथून भव्य अशी मिरवणूक काढण्यात आली आहे. येवला येथे श्री सच्चिदानंद सेवा श्री नारायण धाम आयोजित संगीतमय श्रीमद भागवत कथेचं 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंत आयोजन करण्यात आलं आहे. गंगा दरवाजा येथील वनवासी राम मंदिर इथून भव्य अशी मिरवणूक यावेळी काढण्यात आली होती. या मिरवणुकीमध्ये 551 महिला डोक्यावरती कळस घेऊन सहभागी झाल्या होत्या. या भागवत कथेचे व्यासपीठ 15 वर्षांचे श्री पुंडरीक कृष्णजी महाराज निरूपण करणार आहेत. मंगळवारपासून भागवत कथेस सुरुवात होत आहे. दरम्यान शहरामध्ये भव्य अशी शोभायात्रा काढण्यात आली. शहरामध्ये ठिकठिकाणी या शोभायात्रेचं स्वागत करण्यात आलंय. 5 मार्च रोजी श्री रामायणाचार्य हरिभक्त पारायण श्री रामकृष्ण महाराज सानप यांचे काल्याचे कीर्तन होणार आहे. सर्व भाविकांनी या संगीतमय भागवत कथेचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आयोजक समितीच्या वतीनं करण्यात आलंय. या शोभायात्रेस श्री महंत महादेवानंद सरस्वती स्वामी सचदेवानंदजी श्रीमती मधुगुप्ता नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर प्रवीण पैलवान विनोद बाकळे सुरेश कुंभारे सीताराम सोनोने राजेंद्र वडे श्रीकांत बाकळे माधव गंगापूरकर नगरसेविका सरोजिनी वखारे राजश्री पैलवान नारायण सातलकर नाना जाधव ईश्वर भावसार आदींसह असंख्य नागरिक सहभागी झाले होते. आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एवला नागड़े में श्री नारायण सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है. आज 25 फरवरी को कलश यात्रा निकल रही है जिसमें वृंदावन से श्री 15 वर्षीय बाल सुख जी महाराज आए हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम की जो विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती मधुगुप्ता जी और उनके सभी साथी और सभी एवला एवं नागड़े के वासियों के सहयोग से ये सब कथा का आयोजन हो रहा है. कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, भगवान के पास से हमें 2 चीज़ें प्राप्त हुई हैं, एक भागवत कथा और दूसरी भागीरथी गंगा. तो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा किसको महत्व दें, तो भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली है और भागवत कथा भगवान के मुख से निकली है. तो कहते हैं कि गंगा को ज़्यादा महत्व देंगे तो उसके किनारे पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गहराई में जाएंगे तो डूबने का डर है. और लेकिन भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को हम जितना भी कितनी बार श्रवण करेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतना ही हमारे को आनंद आएगा. बोलिए श्रीमद् भागवत प्राण की. प्रशांत कलंके, C24 तास, येवला. सबस्क्राइब करा आमच्या यूट्यूब चॅनल वर आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी.